भगवान के प्रेममयी बाल लीलाओं का, चरित्रों का रचना कीजिए, उसी से इन सबको संतुष्टि होगी, सबका कल्याण होगा और हरि कीर्तन करने लगे नारद जी महाराज। तो आइए एक छोटा सा कीर्तन हम भी ले लेते हैं। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे चली जा रही है किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन जा तेरे सहारे, तेरे तेरी देखी जो बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर, सब कुछ मिला है मुझे तेरी शरण जाकर, सब कुछ मिला है मुझे तेरी शरण जाकर। तेरे सिवा ना कोई साथ हमारे, साथ हमारे। तेरे सिवा ना कोई साथ हमारे, साथ हमारे। चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। हाँ चली जा रही किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। जीवन है श्यामा तेरे सहारे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे। हरी शरण। श्री नारद जी महाराज ने संकेत कर दिया वेद व्यास जी महाराज को कि आप भगवान के चरित्रों का गुणगान करिए, और वहां से कहे। इधर वेद व्यास जी महाराज ने सोचा कि अब तक जो भी मैंने लिखा, तो मैं सोचता था कि मैं लिख रहा हूं,
लेकिन अब मैं लिखूंगा केवल और केवल, और भगवान स्वयं लिखाएंगे। जाकर के सरस्वती नदी में स्नान किया, समय प्राशाश्रम में लिखने लगे। इधर गणेश जी महाराज भी आ गए, तो वेदव्यास जी महाराज बता रहे हैं और गणेश जी महाराज लिख रहे हैं। नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने चार श्लोकों में से 18,000 श्लोकों की पावन संहिता को तैयार कर दिया। और अब सोचने लगे, अब सबसे पहले इसे किसे सुनाऊं? ये कोई सामान्य संहिता नहीं है, सामान्य ग्रंथ नहीं है, परमहंसों की संहिता है, तो किसी परमहंस को ही श्रवण करानी पड़ेगी। सोचने लगे अब परमहंस कहां से ढूंढ करके लाएं। अचानक ध्यान आया, मेरा पुत्र है तो सही सुखदेव, उसके बराबर परमहंस कौन होगा जो जन्म लेते ही वन के लिए चला गया। दो शिष्यों को बुलाया और उनको दो श्लोक तैयार कर दिए, लटा दिए, जाओ जहां तहां तुम वन में विचरण करते समय इनको उच्चारण करना, और जहां भी मेरा पुत्र सुखदेव मिले उसको लेते चले आना। बोले ठीक है। दोनों शिष्य जंगल में गए, जहां तहां उन श्लोकों का उच्चारण करने लगे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विव्रदवाचः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्धान वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शबदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अब जैसे ही सुखदेव जी महाराज के कानों में ये प्रथम श्लोक पड़ा, बोले बरहा पीडम नटवर वपुहु, बोले मोर पंख जिन्होंने अपने सर पर धारण कर रखा है, कर्णयो हो कर्णिकारम जिन्होंने अपने कानों में कनेर के पुष्प लगा रखे हैं, विव्रत वासह कनक कपिसम वैजयंतीं च मालां वैजयंती की माला जिन्होंने धारण कर रखी है, रंध्रान वेणोरधर सुधया और मुरली जिन्होंने अपने अधरों पर साज रखी है, पूरयन गोप वृंदई और जिनकी एक मुरली की तान पर सभी ब्रजवासी मोहित हो जाते हैं, ऐसा कोई साधारण पुरुष तो हो नहीं सकता, जाकर के चलकर के देखना चाहिए ये कौन है, कौन लोग ऐसे महानुभाव की चरित्रों का गुणगान कर रहे हैं। बाहर आए, उठे, खड़े हुए, फिर मन में सोचा जरूरी थोड़ी है जो सुंदर हो व्यवहार से भी अच्छा हो। ठीक है, मान लिया इसका स्वरूप सुंदर है, लेकिन अंदर से भी तो सुंदर होना चाहिए। बोले हम नहीं जा रहे, वापस वहीं बैठ गए, तपस्या करने लगे। तभी शिष्यों ने दूसरा श्लोक छेड़ दिया, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांशया पाये दप्य साध्वि लेभे गतिम धात्रिच्युताम ततोऽन्यं कौवा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, बकी नाम है पूतना का, स्तन का लकूटम जो कि कालकूट नाम का विष अपने स्तनों पर लगा करके आई है, जिघांशयापाय यदप्य साध्वी, वो किस लिए आई? भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। लीभे गतिम धात्रिच्युताम दतोन्यम, बोले भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। और उसी कौन सी पदवी दी? जो कि अपने मैया जसोदा और देवी की को जो पदवी दी वही उस पूतना को प्रदान की। किसी ने पूछा, अरे ये तो तुम्हें मारने के लिए आई थी, ये तो राक्षसी थी, लेकिन तुमने अपना वैकुंठ लोक क्यों इसे दे दिया? तो इन्होंने इतना सुंदर भाव रखा, बोले जैसे भी सही, उसका मैंने दूध तो पिया, उसके मैंने स्तनों का पान तो किया है, तुम्हें कैसे राक्षसी हो सकती है? इतनी बड़ी
साजिश रची गई भगवान को मारने के लिए, जिसने रची उसी को भी इतना परम पद प्रदान कर दिया। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे, बोले अब तो जाकर किससे मिलना पड़ेगा, ये कोई साधारण नहीं है। दोनों शिष्यों के पास गए, बोले ये कौन है और मुझे और भी ऐसे श्लोक और सुनने हैं। तो शिष्यों ने कहा कि हमें तो सिर्फ इतने ही आते हैं, अगर आपको और सुनने हैं तो हमारे साथ चलिए, हमारे गुरुजी के पास 18,000 श्लोकों की संहिता है। अब तो वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को जब आते हुए देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि देख लो, मैंने इतना प्रेम किया, मैंने इतना पुकारने की कोशिश की, बुलाने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी नहीं आए। और धन्य है परमात्मा की ये चरित्रों की कथा, मेरे परमहंस सुखदेव मेरे पुत्र को खींच लेकर जाए। सुखदेव जी आए और वेदव्यास जी को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मुझे ऐसे श्लोक और श्रवण करने को मिलेंगे? बोले हाँ, क्यों नहीं। वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव महाराज को, सुखदेव भगवान को 18,000 श्लोकों की संहिता को प्रदान किया। और समय आने पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सामने श्रीमद् भागवत को श्रवण पान करा करके परोसा। अब तो इधर सोनकादिक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, एक बात हमें बताइए, ये परीक्षित कौन है और किस कारण से परीक्षित को श्रीमद् भागवत संहिता को प्रदान किया गया, जरा प्रसंग से हमें श्रवण कराइए। बोले ठीक है। अब सूत जी महाराज परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। यदा मृदे कौरवसंज्ञयाना वीरे सथो वीर गतिं गतेषु वृकोदर वेद गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई और कौरव परास्त किए गए और कौरवों का दुर्योधन का एक मित्र है अश्वत्थामा, इधर दुर्योधन सहित सभी पड़े हुए हैं, दुर्योधन की दोनों टांगें दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं भीमसेन के द्वारा, विलाप कर रहे हैं, सभी कौरव युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं, चीलें आती हैं चोंच मार करके चली जाती हैं, दुर्योधन का भी यही हाल है, उसे भी चीलें मरा हुआ समझती हैं, चोंच मारती हैं चली जाती हैं, बड़े दुख भोग रहा है। अश्वत्थामा आया और कहने लगा, अरे मित्र, मैंने तुम्हारे राजसी ठाट देखी और आज ही तुम्हारी ये दशा किसने की मुझे बताओ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। बोले मुझे इसका दुख नहीं है कि मेरी आज स्थिति हो गई, मुझे दुख है तो इस बात का दुख है कि हम 100 थे, हम तब भी पराजित हो गए, लेकिन जो हमारे भाई हैं 5 पांडव, बोले केवल 5 थे लेकिन उनमें से एक भी नहीं मर पाया, मैं तो चाहता हूं कि उनमें से अगर एक को भी तुम मृत्यु के घाट उतार दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बोले तुम एक की बात करते हो, मैं 5 के 5 का सर धड़ से अलग करके तुम्हारे सामने लेकर के आता हूं। अश्वत्थामा चल दिया। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। इधर सभी पांडव अपने सैन्य कक्ष में जा रहे थे तो भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, अरे कहां जा रहे हो, अरे आज हमें विजय प्राप्त हुई है तो आओ कहीं पार्टी सार्टी करते हैं, धूमधाम से अपने विजयश्री को मनाएंगे। उनको ले गए, लेकिन पांडवों के स्थान पर उन्हीं के सामान देखने व दिखने वाले उनके 5 पुत्र वहां आकर के लेट गए। इधर अश्वत्थामा भी जानता था कि पांडव कोई साधारण तो है नहीं, जिन्होंने कौरवों को परास्त कर दिया तो मैं उनके सामने क्या हूं, लेकिन क्या करना चाहिए। बोले काग उलूक न्याय, रात्रि में गया और सोते हुए पांडवों के बच्चों के सर धड़ से अलग कर करके ले आया और आकर के दुर्योधन के दे दिए।
दुर्योधन को दे दिए। देखो तुमने एक के लिए कहा था मैं पांचों पांडवों के सर धड़ से अलग कर करके लेकर के आया हूं। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, हम इतने कौरव परास्त हो गए, तुम अकेले पांचों पांडवों का सर ले आए, दिखाओ। जैसे एक सर निकाला है, जैसे दुर्योधन ने देखा और परेशान हो गया, बोले ये तुमने क्या कर दिया, अरे ये पांडवों के सर नहीं है, ये तो पांडवों के बच्चों के सर हैं। अरे अश्वत्थामा, अरे दुष्ट, तूने तो हमारे वंश में कोई जल पिलाने वाला भी नहीं छोड़ा। अधमरा तो वैसे ही पड़ा था, लेकिन उस दुख को देख करके दुर्योधन वही मृत्यु के घाट उतर गया। अब जैसे ही अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव जीवित हैं, भाई उनके बच्चों के सर हैं, तो मुझे पांडव जीवित नहीं छोड़ेंगे, दौड़ने लगा वन की ओर। और इधर जैसे ही द्रौपदी को पता चला, अरे राम, आप ही खुद देख लीजिए, अगर एक माँ के पांच पांच पुत्रों का सर धड़ से अलग हो जाए, शरीर पड़े हो लेकिन सर ना हो, उसके ऊपर क्या बीतेगी। रोने लगी, छाती पीटने लगी, चीत्कार करने लगी, बोले ये क्या हुआ। माता शिशूनां निधनं सुतूना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुतद्बाष्प कला कुलाक्षी तांजांजयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी रो रही है, चिल्ला रही है। पांडव दौड़े हुए आए, बोले क्या हो गया। पांडवों ने जैसे ही देखा है अर्जुन ने प्रण ले लिया, बोले जिसने भी ये अधर्म कर्म किया है उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन चल दिया उसे ढूंढने के लिए। अश्वत्थामा को पता चला कि मेरे पीछे अर्जुन पड़ चुका है, मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन उसे देख करके घबरा गया। भगवान कहने लगे द्वारकाधीश, बोले तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें ब्रह्मास्त्र की विद्या नहीं आती, तुम भी चला दो। इधर से भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, दोनों शांत हुए और जाकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। भगवान कहने लगे इसे बंदी क्यों बना रहे हो, इसे यही मृत्यु के घाट उतार दो, ये कोई साधारण पापी नहीं है, इसने सोते हुए पांच अभूत बच्चों के सरों को धड़ से अलग कर दिया, मृत्यु के घाट उतार दो। बोले ये क्षमा के लायक नहीं है। मत्तम मत्तम प्रमन्नम उत्तम सुप्तम बालम श्रीयम जड़म प्रपन्नावृतम भीतम रापिपम हंति धर्मवित। बोले धर्म के अनुसार नहीं है। धर्मवित्ता पुरुष स्त्री को, सोते हुए बच्चों को, निर्बल को, बालक को, मत वाले को, पागल को कभी मारना नहीं चाहिए, और इसने तो अबोध बच्चों को मृत्यु के घाट उतार दिया, इसे बंदी क्यों बना रहे हो। अर्जुन कहने लगे प्रभु से मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैंने द्रौपदी के सामने प्रण लिया है इसे वहीं मृत्यु के घाट उतारूंगा। पशुओं की तरह बांध लिया, रथ के पिछले हिस्से में डाल दिया और ले गए द्रौपदी के सामने जाकर के पटक दिया। द्रौपदी देखती है और रोती हुई कहती है, हे स्वामी तुम ये क्या कर रहे, जानते नहीं कौन है। अरे तुम नहीं जानती हो ये कौन है। बोले हाँ मैं जानती हूँ, ये वो पापी है जिसने मेरे पांच पांच अबोध बच्चों का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन आप ये नहीं जानती हो कि ये गुरुपुत्र भी हैं और गुरुपुत्र गुरु के समान ही होता है। मैं नहीं चाहती कि, मैं जानती हूँ कि इसकी इनकी मृत्यु के बाद मेरे पांच पुत्र वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितना दुख मुझे हो रहा है इतना दुख हमारी जो गुरु माता है गौतमी उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। अब तो अर्जुन कहने लगा कि मैं देवी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। अब तो विचार होने लगा। भीमसेन कहने लगा तुम बेशक सब छोड़ दो, लेकिन ये मेरी गदा से बचने वाला नहीं है, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो बड़े संकट। अर्जुन गए भगवान के पास, बोले भगवान मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान कहने लगे देखो तुम क्षत्रिय हो, तुमने वचन लिया था
हत्या करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो तुम्हें अपना प्रण अपना वचन पूरा करना होगा। दूसरी बात, तुम्हारी जो पत्नी है द्रौपदी, उसका वचन भी सत्य है, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है उसका वध नहीं किया जाता। ब्रह्मवंतुर्ण हत्यव्य आतताई वदारहण, उसे मृत्यु के घाट नहीं उतारा जाता। भगवान ने तीसरी बात कही कि ध्यान रखो, आतताई कोई भी हो, अधर्मी कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। चौथी बात कही, भीमसेन तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनकी भी बात का विचार विमर्श करना चाहिए। अर्जुन समझ गए तो टेढ़ी टांग वाला है, कभी सीधी बात करना जानता ही नहीं है। एक जवाब मांगा था, चार प्रश्नों में और उलझा दिया। लेकिन अर्जुन भी कोई साधारण नहीं है, भगवान द्वारकाधीश से इन्होंने गीता का उपदेश लिया है, ग्रहण किया है, वो जानते हैं, इन्होंने वही किया। बोले किसी भी सम्मानित व्यक्ति का अगर अपमान कर दिया जाए तो जब भी वो उसके बारे में सोचेगा उतनी बार उसकी मृत्यु होगी। उसके सर का मुंडन कर दिया और उसके मस्तक से मणि को निकाली और धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा लज्जित हुआ, बोले ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं, तुमने जो मेरे साथ किया है मैं तुम्हारे वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, पानी पिलाने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। वचन ले लिया। अब क्या हुआ, समय बीतता गया, भगवान को पांडवों के बीच में रहते रहते काफी दिन हो गए और अब जाने की सलाह बनाई कि अब हमें चलना चाहिए। सभी पांडव बड़े निराश हुए, सोचा कि भगवान को जाना तो है ही। तैयारियां की गई बड़ी धूमधाम से, भगवान जाने लगे। भगवान ने अपने दाया पैर रथ की पहली सीढ़ी पर रख रखा है और बाया पैर नीचे है। बड़ी सुंदर छटा है भगवान की, बड़ी मनोहर छटा है। आप सभी अपने हृदय मन में, हृदय के अंतर्गत ला करके छवि का दर्शन करें, बड़ी मनोहर छवि है भगवान की। लेकिन होता क्या है, देखते 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 एक बाल विधवा चीत्कार करते हुए चिल्लाती हुई भगवान की तरफ दौड़ी चली आ रही है और भगवान के चरणों में लेटकर कहने लगी कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पृशम्। प्रभु मुझे बचा लीजिए, प्रभु मुझे बचा लीजिए। भगवान ने देखा ये कौन है, ये देवी कौन है, और जैसे ही देखा पता चला कि ये तो अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु तो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन ये गर्भवती है। अश्वत्थामा पता चला कि ये तो ब्रह्मास्त्र दौड़ा चला आ रहा है इनके गर्भ का नाश करने के लिए। अब इधर देखिए, उत्तरा ने गलती नहीं की जो कि इनकी, जो कि भगवती द्रौपदी ने गलती की थी। द्रौपदी ने क्या गलती की, जब इनका चीरहरण हो रहा था तो इन्होंने भगवान को कब याद किया, जब अंत समय में, जब कोई आशा ही नहीं बची। लेकिन उत्तरा ने वो कमी नहीं की, वो गलती नहीं की, वो सब खड़े हैं, पांचों पांडव खड़े हैं, लेकिन आई और भगवान के चरणों में लेट गई, प्रभु मुझे बचाओ, और मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे गर्भ में पांडवों का वंश है, उसे बचा लीजिए, मुझे अपनी जीवन की चिंता नहीं है, मुझे अपनी चिंता नहीं है। अब गर्भ की रक्षा भी तभी हो सकती है जब मां जीवित रहे, मां सुरक्षित रहे। भगवान ने कहा देवी अपने नेत्र बंद करो, उत्तरा ने नेत्र बंद कर लिए और भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया और उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। और उधर से जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र चला आ रहा था, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके तेज को वहीं विस्तृत कर दिया और उत्तरा के गर्भ में छोटे से परीक्षित हैं, वो देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बोले ये कौन है, मुझे इस आग के गोले से बचाने वाले। आपको एक बात बता दूं, जो छोटेपन में जो बच्चे जो छवि को देख लेते हैं वो काफी दिन तक याद रहती है, बड़े पन में इतनी स्मरण शक्ति तीव्र नहीं होती है।
भगवान ने उसकी रक्षा की। देख लीजिए आज उत्तरा को इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी देवियां हुई, इतनी सौभाग्यवान देवियां हुई कि जिन्होंने भगवान और भक्त को अपने गर्भ में रखा है, प्रहलाद और ध्रुव के रूप में और भगवान को श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में। लेकिन ऐसा सौभाग्य देवी उत्तरा को ही प्राप्त हुआ जिनके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों ही एक साथ हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान के परीक्षित की रक्षा की और भगवान बाहर आए और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले देवी अब तो कोई परेशानी नहीं है। बोले अब कोई परेशानी नहीं है। भगवान कहने लगे अब तो हमें चलना चाहिए। अब जो माता कुंती हैं वो विचार करने लगी कि आज भगवान जा रहे हैं, अब तक मैंने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज इनसे कुछ ना कुछ मैं मांगती हूँ। और पहुंची हैं, स्तुति करने लगी। 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की है। अनन्या चिंतयन्तो मां ही जना पर्युपासते तेषां नित्यावयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ी सुंदर स्तुति की है कि हे प्रभु मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम पुरुषम परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां मंतर्बहिरवस्थितम्। हे नारायण मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान कहने लगे बुआ ये आप क्या कर रही हो, आप पूजनीय हैं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए लेकिन आप मुझे प्रणाम कर रही हो, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो। बुआ कहने लगी, कुंती महारानी कहने लगी जब तक मैं कुछ भी बोलती ना हूं जब तक मौन खड़े रहे, तुमने बुआ बुआ कहकर के मेरे अंदर माया का जाल तो फैला ही दिया, लेकिन अब मैं जान गई हूं तुम बेशक कोई भी हो लेकिन अंत में भगवान ही हो और मैं जो मांगना चाहती हूँ वो मुझे आप प्रदान कर दीजिए। 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की है कि प्रभु आप ना होते तो न जाने हमारा क्या होता, इतने बड़े बड़े संकट मेरे बच्चों पर आए और जितना सुख जितनी कृपा आपने हमारे ऊपर की मुझे तो ऐसा लगता है उतनी कृपा आपके आपने अपने माता और पिताजी के ऊपर नहीं की, इतनी कृपा मेरे भैया और भाभी को भी प्राप्त नहीं हुई। भगवान ने बोले वो कैसे, तो कुंती महारानी कहती हैं कि देखिए भाभी के 8 बच्चे हुए, 8वें हो आप, जो बाकी के जो 6 थे वो एक एक करके मारे गए, विवाह होते ही उसे बंदी बना लिया गया। लेकिन मैं जब अपनी तरफ देखती हूँ तो मैं विधवा और मेरे पास 5-5 बच्चे वो भी अनाथ जिनका कोई रखवाला नहीं था, मैं नहीं जानती थी कि इनकी रक्षा कैसे होगी और शत्रु कोई बाहर के नहीं थे, शत्रु घर के ही थे, प्रतिपल षड्यंत्र प्रतिक्षण षड्यंत्र, लेकिन जितने भी संकट थे न जाने कैसे पार हो गए। जैसे छोटे से बालक को गैया के खुर से बने हुए गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है ऐसे सभी पार हो गए। लक्षा भवन की आग से आपने बचाया, संतों के श्राप से आपने हमें बचाया। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब जब मेरे हमारे पास दुख रहे तब तो आप हमारे पास रहे और देखो आज मेरे बच्चे सम्राट बन चुके हैं, सम्राट बनने के लिए जा रहे हैं तो आप हमें छोड़ करके जाने लगे। तो मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन में दुख ही दुख रहे, मुझे सुख नहीं चाहिए। माता कुंती प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मुझे दुख ही दुख दी। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान,
दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। हाँ इंसान बनाते हैं। हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। Oh,
दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं कैसे कहूँ भगवान दोनों ही तुम्हारे, मैं कैसे कहूँ भगवान दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। माता कुंती मांगती हैं दुख। कुंती महारानी ने कहा कि प्रभु मुझे दुख ही दुख चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि जब दुख हमारे ऊपर रहते हैं तो परमात्मा की याद बनी रहती है, और जैसे ही सुख आते हैं तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। दुख आते हैं तो सोचते हैं कि ये तो सब परमात्मा की देन है, ये तो न जाने परमात्मा ने कैसी नजर कर रखी है, भगवान की नजर नहीं है, सो हमें दुख झेलने पड़ रहे हैं। और जैसे ही सुख आते हैं तो हम भगवान का कभी धन्यवाद भी नहीं करते, हम विचार करते रहते हैं कि जो हमें सुख प्राप्त हुए हैं ये हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दुख में भगवान को याद करते हैं लेकिन सुख में नहीं करते। अगर हम सुख में भी भगवान का धन्यवाद करते रहें, भगवान का साधुवाद करते रहें, तो दुख तो आए नहीं ना। के दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न को, और जो सुख में सुमिरन करें दुख पाए को। आज कुंती महारानी ने भगवान से दुख मांगे हैं, लेकिन भगवान के पास तो दुख है ही नहीं, भगवान तो सुख स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं। अब कुंती महारानी ने कुछ और मांगा होता तो ठीक है, दे भी देते, लेकिन दुख मांग लिए, भगवान के पास है ही नहीं, तो भगवान ने जाना कैंसिल कर दिया, बोले अब हम नहीं जाते। पुनः अंदर भवन में चले गए, अंदर जाकर के क्या देखा कि जो युधिष्ठिर जी महाराज हैं बड़े चिंतातुर से नजर आ रहे हैं, शोकाकुल हैं। भगवान ने पूछा क्या बात है जरा हमें भी बताओ, तो माया के बंधन में फंसे हुए हैं, कह रहे हैं कि आज जो हमें राज और पाठ जो मिला है ये हमने अपनों से छीना है, न जाने कितने अपनों की प्राणों की आहुतियां हमने युद्ध भूमि में इस राजपाट के खातिर दे दी। आज हमारे भाइयों की कौरवों की जब स्त्रियां मेरे सामने से होकर सूनी मांग लेकर के निकलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही वो पापी हूं, मैं ही अधर्मी हूं जिसने इन सभी की मांगों को उजाड़ दिया। भगवान समझाने लगे लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज भगवान को अपना छोटा भाई मानते थे। अब एक बात आप भी ध्यान रखना, कभी भी कोई सत्संग हो, कथा हो, या कोई आपको ज्ञान की बात बताए, तो सदैव उसी गुरु की दृष्टि से ही देखना, नहीं तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा। भगवान ने खूब समझाया लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज की समझ में कुछ भी नहीं आया। भगवान सोचने लगे ऐसा करता हूं, यही बात अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला इसे समझाए तो शायद समझ भी जाए। सभी से कहा चलो दादाजी के पास चलते हैं। भगवान सभी पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं, जाकर के सभी पांडवों ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम की आवाज सुनते ही पितामह भीष्म बाणों की संख्या पर पड़े हुए हैं, हिलडुल भी नहीं सकते, नेत्र खोले, सभी को देखा और पूछा कि वो वंशी वाला नहीं आया, वो द्वारकाधीश कहाँ है, वो श्री कृष्ण कहाँ है। भगवान ने देखा कि दादाजी हमें पुकार रहे हैं तो सामने आए, प्रणाम किए, बोले दादाजी क्या आपने हमें पुकारा, बोले हाँ। अर्जुन से पूछने लगे, अर्जुन एक बात बताओ ये कौन है,
तो अर्जुन कहने लगे, कौन है? ये हमारे मामा वसुदेव के पुत्र हैं श्री कृष्ण। तो पितामह भीष्म मुस्कुरा करके कहने लगे कि धन्य है अर्जुन, जब तेरे मन में जो भी बात आती है तू इनसे वही रिश्ता बना लेता है। कभी तो तू इनको मामा का लड़का बताता है, कभी सचिव बना करके परामर्श लेता है, कभी दूत बना करके संदेश वाहक बना लेता है, और समय आने पर गुरु बना करके गीता का उपदेश भी ले लेता है। बड़ी ज्ञान की बात बताई। इधर भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी से कि पूछ लो, जो भी प्रश्न आपको पूछने हैं आप पूछ सकते हो। इधर जब युधिष्ठिर जी महाराज ने पांडवों ने प्रश्न पर प्रश्न किए हैं, पितामह भीष्म उत्तर देते गए। इसे पितामह जो उत्तर दिए हैं पितामह ने, इसे भीष्म गीता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कई धर्मों के रूप भी बताए, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाश व्यास योगत। बड़ा सुंदर प्रसंग छिड़ा है। और उसके बाद में पितामह भीष्म ने सोचा कि अब मुझे शरीर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और आज तो भगवान भी उत्तरायण है। उत्तरायण किसे कहते हैं? उत्तरायस्य शगर्वः प्रविष्टः स उत्तरायणः। एन माने अंदर, एक तो उत्तर हो गया और एक हो गया उत्तरा। सूत्रों के उल्लेख से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश किया था, तो आज सूर्य भी उत्तरायण है और भगवान भी उत्तरायण है। पुष्पिताग्रा छंद में पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की है। इति मति रूपकल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वतपंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह। बोले मेरी एक इच्छा है। भगवान बोले बताइए कौन सी इच्छा है? कि मेरी एक बेटी है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी का विवाह मैं आपके साथ कर दूँ। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, अरे दादाजी क्यों बुढ़ापे में सठिया रहे हो? तुम्हारा जीवन तो पूरे ब्रह्मचर्य में निकल गया, तुम्हारी बेटी कहाँ से आ गई? बोले हाँ, मेरी एक बेटी है और बेटी है मेरी बुद्धि। मैंने अपनी बुद्धि को अपनी बेटी बना करके नियंत्रण में रखा है। और बेटी भी ऐसी नहीं है, न कोई ईर्ष्या न कोई तृष्णा, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध बेटी है। और अब तक मैंने खूब ढूंढा, इसके लिए कोई वर नहीं मिला, पर आपको देख करके लग रहा है कि आज इसकी सुयोग्य वर प्राप्त हो गया है, क्योंकि आजकल सबकी मति ग्रसित हो चुकी है। भगवान ने कहा स्वीकार है। इधर स्तुति करते करते समय आते हुए पितामह भीष्म ने भगवान की सुंदर मुस्कान को देखते देखते अपने शरीर को छोड़ दिया। भगवान कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि जैसा सौभाग्य पितामह भीष्म को प्राप्त हुआ, ऐसा सौभाग्य ना आज तक किसी को प्राप्त हुआ है और न ही होगा। हम सब भी तो यही चाहते हैं कि अंत समय हमारी जीव पर भगवान का नाम हो, अंत समय हमारे सामने भगवान उपस्थित हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन ये सौभाग्य पितामह भीष्म को प्राप्त हुआ। और हम भी तो क्या चाहते हैं? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते दिल को लुभाते। कन्नाथ त्यागो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण बा, जहाँ भी जाए गए पुकारे, जहाँ भी जाए गए पुकारे, हे नाथ नारायण बा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे राम राधे राम राधे महाराज ने सोनका ऋषियों को श्रवण कराया और उसके बाद में भगवान कहने लगे, भैया अब तो हमें चलना चाहिए, बहुत समय व्यतीत हो गया। जिन्होंने भी कुछ मांगा था भगवान ने वही सभी को प्रदान किया और यात्रा की तैयारियां की गईं। बड़े सुंदर तरीके से रथ को सजाया गया, भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए, साथ में अर्जुन को भी लेकर के गए हैं। द्वारका में भगवान का बड़ा सुंदर भव्य स्वागत किया गया, सबसे क्रम से सबसे मिले हैं। इधर सोनकादेव जी कहने लगे, सूत जी महाराज वो परीक्षित को तो बताइए, परीक्षित का क्या हुआ? सूत जी कहने लगे, अरे हाँ, हम तो न जाने कथा प्रसंगों में कहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, उसके बाद उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जिस बच्चे की रक्षा की थी, समय आने पर उसका जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया विष्णुघात। लेकिन जिसकी गोद में जाता है वो देखता है कि जो मेरी गर्भ में रक्षा करने के लिए आया था वो कहाँ है। तो परिता ईक्षित सपरीक्षित, इसका नाम, इनका नाम इस तरह से परीक्षित भी रखा गया। और एक समय क्या हुआ कि विदुर जी महाराज भ्रमण करने के लिए आए तो आकर के धृतराष्ट्र और गांधारी से मिले हैं, हाल चाल पूछा। दोनों ने बड़ी प्रशंसा की है पांडवों की, बड़े बड़ा आनंद आ रहा है, जगते समय सबसे पहले हमको प्रणाम करते हैं, किसी भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, बड़ा बड़ी सेवा कर रहे हैं। विदुर जी महाराज कहने लगे, तुमको धिक्कार नहीं है अपने ऊपर, आज उन्हीं की प्रशंसा कर रहे हो जिनको मरवाने के लिए तुमने न जाने कितने कितने षड्यंत्र रचे। बोले क्या करें, बोले चलो हमारे साथ। विदुर जी महाराज रात्रि के समय में भैया और भाभी को लेकर के निकल गए। सुबह जैसे ही पांडव आए उनको प्रणाम करने के लिए, ताऊ जी को प्रणाम करने के लिए, तो वहाँ स्थान पर नहीं पाया तो बड़ी परेशान हुए, कहाँ चले गए, किसी को कुछ बताया भी नहीं। वहीं तुम्बुरु गंधर्व के साथ देवर्षि नारद आए हैं और उन्हें बताया कि आपके ताऊ और ताई ऐसे संत के साथ में गए हैं जिनका कल्याण सुनिश्चित है। इधर क्या हुआ कि समय व्यतीत होता गया, हस्तिनापुर में भी बड़े अपशकुन होने लगे पांडवों के यहाँ। अर्जुन को भी गए हुए 7 महीने हो गए,
लेकिन न कोई संदेश, न कोई सूचना, न कोई आया, न कोई कुछ भी नहीं। बड़े परेशान रहने लगे सभी। बोले हुआ क्या? गता सप्ता दुना मासा भीम सेनो तवानुज। सभी आपस में कहने लगे हमें बड़े अपशकुन से हो रहे हैं, कोई ना कोई तो बात जरूर है। अर्जुन की बात चली ही रही थी कि क्या देखा कि सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही अर्जुन को आते हुए देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन जैसे ही अर्जुन पास में आए तो वो रोते हुए आ रहे हैं, नेत्रों में आंसू हैं। सभी पांडव कहने लगे क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारे चेहरे से तीज कहाँ गायब हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने कहीं वैश्याओं के साथ में प्रसंग किया है? कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों की उपस्थिति में तुमने अकेले में भोजन कर लिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी ब्राह्मण का अनादर किया हो, अपमान किया हो? इधर सभी पांडव प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन युधिष्ठिर जी महाराज के चरणों में लेट गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंद रूपिणा येन मे परितम तेजो देव विष्मापनम। रोते हुए कह रहे हैं भैया अब कुछ भी नहीं बचा, जिनकी कृपा से हमने खांडव वन का दहन किया, जिनकी कृपा से हमने इतने इतने योद्धाओं को पराजित कर दिया, जिनके आशीर्वाद से हमने भोले बाबा को भी युद्ध में शांत किया, संतुष्ट किया, वो आज हमें छोड़कर के चले गए। मैं तो जानता था कि करने धन्य वाला सब मैं ही हूं, लेकिन आज मुझे प्रतीत हो गया जब मैं रास्ते से आ रहा था तो भीलों ने मुझे पराजित कर दिया युद्ध में, और जितने भी मेरे साथ में गोपिकाएं थी, ब्रजांगनाएं थी, सबको लूट करके ले गए। तो कहना क्या चाहते हो? तो रोते हुए कह रहे हैं कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। जैसे ही पांडवों ने सुना है और जैसे ही माता कुंती ने सुना है कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए, तो वहीं उसी समय अपने शरीर को छोड़ दिया। त्रेता में राजा दशरथ और द्वापर में माता कुंती भगवान के ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान के जाते ही एक पल भी उनके वियोग को न सह सके। अब तो परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके सभी स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए निकल पड़े। इधर परीक्षित बड़ी हुए तो अपने सभी मंत्रियों के साथ में राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले, तो जहां तहां उनको अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली, बड़ा आनंद आया। लेकिन उन्होंने एक जगह एक आश्चर्य देखा,